हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 एग्जाम के लिए बायोलॉजी के नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज। तो आज के पार्ट थ्री वाले सेशन में हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपके इसी साल के एमएचटी सीईटी 2023 पीसीबी एग्जाम्स का जो था उसके 15th मई वाले शिफ्ट का एग्जाम है, यानी कि मेरी वाली जो शिफ्ट थी उसके नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज है। अगेन थैंक्स टू अजय सर, उन्होंने सारे एमसीक्यूज टाइप किए हैं, सब कुछ किया है, तब जाके मैं आपके सामने ये सोल्यूशन लेकर आ पाई हूँ। सो थैंक यू टू अजय सर वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सोल्यूशन। बस एक चीज मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी कि आप जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपको अपने बेसिस पे सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। मतलब आपको जो 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है, आपको ये 20 सेकेंड्स में वीडियो पॉज करनी है, आंसर सिलेक्ट करना है और फिर वीडियो को कंटिन्यू करना और देखना आपका आंसर राइट है कि नहीं है। इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वन शॉट वीडियोस देखो और अपना रिवीजन कंप्लीट करो। सिर्फ अंडा गुंडा ठंडा पानी करके नहीं आने का एग्जाम में, तुक्का लगा के नहीं आना है, एटलीस्ट वन शॉट रिविजन करके जाओ। आपको बहुत सारे वन शॉट वीडियोज मिलेंगे, बायो फिजिक्स के हमारे चैनल पे है, केमिस्ट्री के भी वीडियोज अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश के लिए आप ग्रामर प्रैक्टिस करके जा सकते हो, बस ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला एमसीक्यू। ओके, सो डैश इज द मेन कॉज फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर। इनमें से कौन से रीजन की वजह से एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है? मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी करेक्ट हो सकता है। रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो इनकरेक्ट आंसर है। डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। डीकम्पोजिशन की वजह से थोड़ी CO2 का लेवल बढ़ेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी के वजह से भी आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। बट मेन कॉज क्या है जो ज्यादातर देखा जाता है? वोल्केनो थोड़ी ना तो रोज रोज फटता है, लेकिन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो रोज रोज हो रहा है ना, डीजल कोल बर्निंग हम डेली कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मैसिव CO2 प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन? ये आपके चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। अमाइलॉइड प्रोटीन्स, ओके, कौन से पर्टिकुलर डिजीज डिसऑर्डर का रूट कॉज होता है? हमने पढ़ा था ना अमाइलॉइड प्रोटीन, स्टाइलिन प्रोटीन। तो जब आपके ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सेंटर रहता है हमारे ब्रेन का, मेमोरी सेंटर, वहाँ पे जब बहुत सारे अमाइलॉइड प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं तो उसके वजह से आपका जो मेमोरी सेंटर है वो श्रिंक हो जाता है एंड इट लीड्स टू अल्जाइमर्स डिजीज। अगर अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट नहीं किया तो ये परमानेंट डिमेंशिया भी कॉज कर सकता है। डिमेंशिया यानी परमानेंट याददाश्त चली जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से ये डायग्राम सबका फेवरेट है। आपको इसमें से ए बी सी और डी का करेक्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो, ए अपने क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, बी अपना क्या है, नर्व सेल्स, सी अपना क्या है, लेडिक सेल्स, और डी अपना क्या है, स्पर्म्स। तो ए का फंक्शन देखते हैं। ए सेल अंडरगोस स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, दिस इज ट्रू। बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, बी क्या है, बी इज अवर लेडिक सेल, नहीं सॉरी नर्व सेल्स, नर्व सेल्स से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लेडिक सेल से बनते हैं। हेड ऑफ स्पर्म रिमेन अटैच टू दीज सेल्स, सी वाला, इधर पे थोड़ी ना तो स्पर्म अपना हेड अटैच करने आता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्पर्म्स अपना हेड नर्व सेल के साथ अटैच करके रखते हैं। हैप्लॉइड मेल गैमेट, डी इज द हैप्लॉइड मेल गैमेट, करेक्ट, क्योंकि डी अपना क्या है, दीज आर अवर स्पर्म एंड स्पर्म आर ऑलवेज हैप्लॉइड। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेंसरी क्रेनियल नर्व। मैंने आपको ये याद रखने का एक ट्रिक बताया था, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स है। सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मिक्स्ड, तो आपको इसमें से सेंसरी क्रेनियल नर्व पूछा है। तो नर्व नंबर 1 सेंसरी है, नर्व नंबर 2 सेंसरी है। देखो इसमें भी 1-2 है, इसमें भी 1-2 है, इसमें भी 1-2 है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाता है। आगे चेक करो, नर्व नंबर 8 इज ऑल्सो योर सेंसरी नर्व। यहाँ पे 8 है क्या, नहीं यहाँ पे 8 है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली राइट आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरिंग ऑफ बीओडी, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन सीवेज वाटर गिव्स एस्टिमेशन ऑफ। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है हमारे वेस्ट वाटर में, उससे हमको क्या पता चलता है कि उतना ज़्यादा
वेस्ट वाटर में नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए. तो इट हेल्प्स अस इन डिटेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन 25 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोलाइज्ड. एक एटीपी मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है. तो 25 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 25.0 × 7.3 कितना आएगा आंसर, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 182.50 आएगा. अब आपको ये मल्टीप्लीकेशन करके भी दिखाऊं क्या, मैं चाहिए तो मैं दिखा सकती हूँ, नहीं तो आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 182.50. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सेल ए, आपके पास सेल ए है, ठीक है, मैं बड़ा बनाती हूँ. दिस इज सेल ए इज हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 100 bar. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, बाहर से कितना प्रेशर आ रहा है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए. तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 100 bar. टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर मतलब जब आप पानी एब्जॉर्ब कर लेते हो, जब सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो अंदर से वो टर्जिड होता है, फूकने लग जाता है. तो इसका अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में टर्गर प्रेशर कितना जा रहा है, 50 bar. तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, ये हो गया सेल ए. अब सेल बी का देखते हैं. दिस इज अवर सेल बी, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है, 100 bar, और टर्गर प्रेशर कितना जा रहा है, 60 bar. तो सेल बी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू 100 - 60 इज इक्वल्स टू 40. तो आपका जो वाटर का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो इधर पे टर्गर प्रेशर 60 है. टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है, ज्यादा पानी पी लिया है इसीलिए सेल वॉल टर्जिड हो गया है, फूक गया है. यानी कि अब इधर पे कम पानी चाहिए, इधर पे ज्यादा पानी चाहिए. तो जहां पे ज्यादा पानी चाहिए पानी उस डायरेक्शन में जाएगा. सो वॉटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इसको ज्यादा पानी चाहिए. इसको 50 प्रेशर अभी भी चाहिए पानी, इसको सिर्फ 40 चाहिए, बट इसको 50 चाहिए. तो लोअर टू हायर की डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. फ्रॉम सेल बी टू सेल ए द वाटर विल फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ प्राइमर टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पीसीआर इज कॉल्ड एज. देखो जब आप पीसीआर करते हो तो आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन करते हो, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन 92 degrees Celsius में. फिर इसके बाद आप इसमें प्राइमर इंसर्ट करते हो, इधर पे एक प्राइमर आता है 5-3-, इधर पे एक प्राइमर आता है 5-3-. ये प्रोसेस होता है 55 degrees Celsius टेम्परेचर में. तो इस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोलते हैं अनीलिंग, जब हम प्राइमर अटैच करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ प्राइमर इज नोन एज अनीलिंग प्रोसीजर. ठीक है, और फिर इसके बाद आपका एक्सटेंशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो 72 degrees Celsius में होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज लाइकली टू बी इंक्रीज्ड इन द एटमोसफियर बाय डिफॉरेस्टेशन. अगर हमने सारे के सारे पेड़ कट कर दिए तो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है. ग्लोबल वार्मिंग में हमने क्या पढ़ा है कि जो ट्रीज होते हैं ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर हमने ट्रीज को कट कर दिया तो एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ना तो CO2 अर्थ के बाहर जा पा रहा है ना ही उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स है, क्योंकि हमने सारे पौधे कट कर दिए. तो CO2 विल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंडोक्राइन टिश्यू और सेल विद कॉलम 1 and 2, और आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. देखो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है. तो ए का ऑप्शन आएगा 5, चेक करो. इधर पे ए का ऑप्शन 5, इधर पे ए का ऑप्शन 5, तो ए और बी पहले कट हो गया. अब सी और डी में से राइट आंसर है. अब नेक्स्ट चेक करो, आपको ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, लेडिक सेल्स याद करो. लेडिक सेल सबसे सिंपल है, क्या करता है ये, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है. तो डी का आंसर आएगा 1. तो इधर देखो डी का आंसर 1 है, इधर डी का आंसर 2 है. तो ऑप्शन क्या बचा, सी. कभी भी ना हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढते बैठने का, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करने का और आंसर फाइंड आउट करने का. अब बाकी बी और सी को मैच करो, करेक्ट आंसर आएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स फुट ये कौन से टाइप का इन्फेक्शन है जो मोस्टली टोज के बीच में, बारिश में आपने देखा होगा आपकी जो लास्ट वाली पैर की उंगली होती है छोटी वाली, उधर पे ऐसे पूरा गीला गीला हो जाता है, रेड रेड हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है. तो वो कौन सा इन्फेक्शन रहता है, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल. मोस्टली मॉइस्चर वाली जगह पे, क्योंकि लास्ट की उंगली में पानी रह जाता है, तो मॉइस्चर वाली जगह पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसिस्टेंट न्यूसेलस. देखो ये आपका ओवरी है प्लांट का और ये अपना ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये अपना एम्ब्रियो सैक है. जब आपका एम्ब्रियो सैक सीड बन जाता है, ठीक है, तो ये आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट टेस्टा और टेगमेंट बनते हैं. ये बाकी का बचा हुआ जो न्यूसेलस रहता है, ये न्यूसेलस श्रिंक होके पेपर जैसा लेयर बनाता है. इस पेपरी लेयर को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. कैसे याद रखोगे, न्यूसेलस की स्पेलिंग में एस आता है, पेरिस्पर्म की स्पेलिंग में एस आता है. ठीक है, नेक्स्ट,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिक एसिड, ये तो बहुत सिंपल है, आपको क्लास 11th एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाले चैप्टर में अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म जब ये सब पढ़ाया जा रहा है तो आपको आगे ब्रैकेट में उसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। देखो दिस इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट गोइंग टू बी योर यूरिक एसिड क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, इसमें भी नाइट्रोजन है ही नहीं, आपको यूरिक एसिड नाम से ही समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन है। अब इधर पे नाइट्रोजन है और इधर पे नाइट्रोजन है, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है कि एक एसिडिक कंपोनेंट है, एसिडिक कंपोनेंट है यानी कि COOH, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इधर पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ये एसिड तो होगा नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रगे, ये तो सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से आया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा था। रगे किधर प्रेजेंट होता है, देखो हमने स्टमक की अलग अलग लाइन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर, फिर हमने इंटेस्टिनल लेयर पढ़ा और लास्ट में हमने स्टमक का लाइन पढ़ा, तो ये जो फोल्डिंग्स होता है आपके स्टमक के इंटरनल वॉल में इसको रग बोलते हैं, सो रग इज प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, तो आपका जो प्लांट है वो कितना एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, ये आपके चैप्टर नंबर 14 में डायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट लाइन दिया गया है, पी फार एंड पी रेड लाइट, सो इट कैन एब्जॉर्ब 2-10% ऑफ द रेडिएशन। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, देखो ये आपका जो रेस्पिरेशन चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 13 इन योर क्लास 11th, उसमें सीधा एक टेबल दिया गया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो उसमें सीधा सीधा दिया है कि ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, सीधा टेक्स्ट बुक खोलो आपको टेबल में सीधा दिया गया है, ठीक है, सीधा टेबल का लाइन उठाया। लेंटिकल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में देखा था, लेंटिकल्स हमेशा बार्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बार्क में प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं, जो अंडरग्राउंड रूट्स जाके बाहर आती है। ओके लीव्स में लेंटिकल कभी प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि लीव्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, फॉर दैट मैटर फ्रूट्स में भी लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सीताफल वगैरह में, ठीक है, बट लीव्स में लेंटिकल्स नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, देखो ऑक्यूलो मोटर क्या है, मोटर नर्व है, ऑडिटरी नर्व सेंसरी नर्व है, ओ ओप्स ओ प्रिटी ट्रॉफी याद आ रहा है, हमने ये निमोनिक्स पढ़ा था, और एब्डिकेंस क्या है, ये भी मोटर नर्व है, बट ऑप्थाल्मिक यह आपका सेंसरी नर्व है, क्या है, ये आपका सेंसरी नर्व है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो आप होमोजाइगस टॉल प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट के बारे बीच में क्रॉस कर रहे हो, तो इसका F2 जनरेशन क्या आएगा, F1 जनरेशन विल बी हाइब्रिड, ठीक है, और इसका F2 जनरेशन क्या होगा, F1 × F1, यानी कि Tt × Tt, इसका एक ही रेशियो आएगा 3:1, 3 ट्री विल बी टॉल एंड 1 ट्री विल बी ड्वार्फ, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये तो आपको ऐसे मुंह जुबानी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, प्रोजेनी इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, दिस इज ट्रू, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन, ये फॉल्स है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, असेक्सुअल मतलब नो गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब ट्रू स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज दी फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है, CO2 बढ़ेगा तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड एसिड है, तो एसिडिटी की वजह से क्या होगा, pH लो हो जाएगा, pH लो हो जाएगा तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा टिश्यू के पास और वो जाके फटाफट CO2 के साथ बाइंड करेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का अफिनिटी कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन टिश्यू सेल के पास चला जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजेनेसिस के टाइम पे आपका जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो कौन से फेज में अरेस्ट होता है, देखो मियोसिस 1 जब होता है हमारे ऊसाइट में तो वो पैचिटिन वाले स्टेज में अरेस्ट होता है, फिर अडल्ट होते होते मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, बट मियोसिस 2 कौन से फेज में अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 के स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होता है। फोटोपीरियोडिज्म गार्नर एंड एलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने कौन से पर्टिकुलर प्लांट में डिस्कवर किया था, जब वो कौन से प्लांट का फ्लावरिंग लर्न कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ये आपके चैप्टर नंबर 7 में दिया है, कौन से प्लांट को ग्रो होने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए होता है, फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं उसको, तो जब हमारे ये दोनों साइंटिस्ट सोयाबीन और टोमेटो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे तब उनको पता चला कि आपका फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, ठीक है।
अभी इधर क्या बोला, हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट देखो, हमने पढ़ा था यूक्रोमैटिन यानी एक्टिव डीएनए, हेट्रोक्रोमैटिन यानी कि वीक डीएनए या फिर इनएक्टिव डीएनए, जहां पे ज्यादा डीएनए होता है। तो हेट्रोक्रोमैटिन के पास कितना ज्यादा डीएनए होता है एज कम्पेयर टू यूक्रोमैटिन, सीधा टेक्स्ट बुक का लाइन उठा के डाला है, हेट्रोक्रोमैटिन हैज 2 to 3 times मोर डीएनए देन यूक्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका ये जो बेस वाला पार्ट है, ये बेस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्राइगोन, और 3 layers ऑफ डार्टोस ट्यूनिक मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नॉट 3, 2 layers आर प्रेजेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डन। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन। देखो जितना हो सके मैं उतना फास्ट फास्ट आपको आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट 25 MCQs लाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वाला लिस्ट का PDF डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब AP, जहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, PDF डाउनलोड करो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के लिस्ट का, और PDF रिवाइज करो, उसके बाद वन शॉट चैप्टर्स देखो। बायो का अवेलेबल है, फिजिक्स का अवेलेबल है, और उसके बाद बहुत सारे MCQs अवेलेबल है, तो MCQs भी आप अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। For updates about NCRT, you can follow us on GyanLab NCRT and you can also follow us on our Telegram group GyanLab AP. अभी तक आपके एडमिट कार्ड का कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई फनी शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका एंटरटेनमेंट बना रहे। तो प्लीज़ शो योर लव ऑन अवर व्लॉगिंग चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ये जो BSc नर्सिंग के CET प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, ये भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अजय सर बहुत मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चंस टाइप करने में, बहुत टाइम लगता है ट्रस्ट मी, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि सबकी BSc नर्सिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हम जितना हो सके उतना फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप महाराष्ट्र के कोने कोने तक ये चैनल स्प्रेड करो, ताकि सब तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके। तो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू, सी यू सून।